बढ़ते आगे अयोध्या से अगली खबर। राम मंदिर में बांटी गई मिठाई, मंदिर बनाने वाले मजदूरों को मिठाई बांटी गई। तीसरी बार मोदी सरकार के आने की खुशी में ये मिठाई बांटी गई है। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण पर ये मिठाई बांटी गई है। तो अयोध्या में राम मंदिर बनाने वाले कामगारों को मिठाई बांटी गई। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण के बाद ये मिठाई बांटी गई है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के पीएम बने हैं। इस खुशी में सभी मजदूरों को मिठाई बांटी गई है। आपको बता दें कि मंदिर के ऊपरी हिस्से और पीछे वाले हिस्से में अभी काम चल रहा है। दूसरे फेज का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है और ऐसे में जो कामगार उसको पूरा कर रहे हैं उन सबको मिठाई खिलाई गई। सभी मजदूरों को मिठाई बांटी गई मोदी सरकार के शपथ ग्रहण की खुशी में। तीसरी बार मोदी सरकार आने का जश्न कुछ इस तरह मना। राम मंदिर बनाने वाले मजदूरों को मिठाई बांटकर सबका मुंह मीठा कराया गया। कम से कम 1-8 साल हो गया इनको, तो इन्होंने जब मोदी की सरकार बनी तो लड्डू भी सबको बांटा, लड्डू भी खाया और इनको बहुत खुशी हो रही है। किस तरीके से इनके मन में एक जिज्ञासा जिनके शक्ति है कि हमारी रोटी रोटी चल रही है, इससे अगर काम बंद हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। इन्हें के पहले भी काम क्या करते थे तो वो भी काम करेंगे। अभी भी उनको खुशी हो रही है, अभी काम चल रहा है तो उनको बहुत खुशी हो रही है। आपस में लड्डू भी बांट रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। मोदी की सरकार बनी जब से। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कमलेश पासवान ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश के विकास के लिए काम करना है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष पीडीए की बात करता रहा लेकिन मोदी को जनता ने जातिगत भेदभाव से दूर होकर समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि बांस गांव में जो काम हुआ उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। आपको पहली बार बधाई, आप मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं खासकर क्षेत्र को लेकर? देखिए, मैं अभी एक तरह से लगातार 4 बार सांसद रहा हूं और पिछले 10 वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में हम अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे तमाम कार्य हैं जो चुनाव के दरमियान हम लोगों ने कोई शिलान्यास कर दिया, कोई काम चालू हो गया, कोई बाकी है। जैसे सजनवा से धोरीघाट रेल लाइन है, अपने देवरिया गोरखपुर से गोरखपुर एक्सप्रेसवे लखनऊ में जोड़ना है, ऐसे तमाम कार्य हैं, स्टेडियम बनाने हैं। तो अभी मैं अपने बांसगांव लोकसभा तक सीमित था। आदरणीय मोदी जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ, पार्टी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। उन लोगों ने जो मुझे अवसर दिया है और मोदी जी का जो भी विजन होगा इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए उसमें पूर्ण रूप से मैं योगदान दूंगा। बिल्कुल, अभी तक आप बांसगांव लोकसभा क्षेत्र सीमित है लेकिन अब आपको पूरे देश में विकास करना है, क्या प्राथमिकता रहेंगे खासकर अपने समाज को लेकर? तो देखिए, मैंने कहा कि आदरणीय मोदी जी का जो भी विजन होगा, जो भी दिशा निर्देश होगा, जिस मुद्दे पर गांव-गांव में जो आदरणीय मोदी जी ने हर व्यक्ति को स्वच्छ जल देने का काम हमारी सरकार कर रही है, हर गरीबों के लिए काम करने का प्रयास कर रही है, उस रोडमैप पर हम लोग काम कर रहे हैं। पीडीए मुद्दा लेकर विपक्ष मैदान में उतरा था लेकिन मोदी जी का जो मंत्रिमंडल सामने आया है उसमें 58% से ज्यादा ओबीसी एससी और एसटी लोगों को भागीदारी दी गई है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूँ कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यह देश के आजादी के बाद पहला चुनाव है जो जाति के नाम पर वोट नहीं पड़ा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये विकास के नाम पर वोट मिला है और किसी व्यक्ति के नाम पर पहली बार आजादी के बाद तीसरी बार लगातार सरकार बनी है। तो ये मैं कह सकता हूं कि मोदी जी ने 10 साल जो कार्य किया गरीबों के लिए, आम जनमानस के लिए, उसी का नतीजा। लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद बसपा अध्यक्ष मायावती ने कई पार्टी नेताओं पर एक्शन लिया है। मायावती ने शुभ नारायण गौतम को पार्टी से निकाल दिया है। शुभ नारायण कौशाम्बी सीट से बसपा के प्रत्याशी थे और इतना ही नहीं, कौशाम्बी में कई पदाधिकारियों को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। आपको बता दें, इस सुरक्षित सीट पर शुभ नारायण की जमानत जब्त हुई थी। मायावती ने प्रयागराज और मिर्जापुर मंडल के प्रभारी अशोक गौतम को भी पार्टी से निकाला। प्रयागराज के जिलाध्यक्ष बी त्यागी को हटाकर पंकज गौतम को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। आगजनी में 7 साल की सजा पाए कानपुर के सीसा मऊ से एसपी विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इरफान सोलंकी अब ईडी इनकम टैक्स के रडार पर हैं। ईडी इरफान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी कर रही है और सूत्रों के मुताबिक ईडी ने इरफान की 20 करोड़ की संपत्तियों को चिन्हित किया है और अब उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। उचित जवाब नहीं मिलने पर ये संपत्तियां जब्त भी हो सकती हैं।
उधर इनकम टैक्स विभाग बीते एक दशक में इरफान की खरीदी गई संपत्तियों की जांच में जुटी है और आईटी सूत्रों के मुताबिक इरफान की संपत्तियों का मिलान उनके आयकर ब्यूरो से नहीं हो सका है। शक है कि इरफान ने अघोषित कमाई को संपत्तियों में निवेश किया है और इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग से छिपाई है। तो इरफान को रिमांड पर लेने की तैयारी चल रही है ईडी द्वारा। आगजनी मामले में 7 साल की सजा उन्हें मिली है लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब उन पर शिकंजा कस सकता है। उधर जालौन में एक रिजॉर्ट में आग लगने से हड़कंप मच गया। उरई कोतवाली क्षेत्र के एक रिजॉर्ट में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद सिलेंडर में धमाका हो गया और सिलेंडर में हुए धमाके के बाद रिजॉर्ट में भीषण आग लग गई। रिजॉर्ट में आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। तो रिजॉर्ट में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण शुरू हुई और देखते ही देखते पूरे रिजॉर्ट को उसने अपनी चपेट में ले लिया। आग से आसपास के इलाके में भी अफरा तफरी मच गई क्योंकि इस आग के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट भी हुआ। दमकल की गाड़ियां फौरन मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद जाकर इस आग को शांत कराया गया।